आपसे मेरा सवाल रहेगा कि 42 साल इंडियन आर्मी को आपने दिए, यानी कि 4 दशक, ऐसे में कई सारी घटनाओं के आप खुद साक्षी बने, आपने खुद देखा और महसूस किया। उसके बाद तब के भारत और आज के भारत, चाहे 1971 की वॉर हो, ईस्ट पाकिस्तान जेनोसाइड हो, तब के भारत और आज के भारत में कितना उत्थान आपने होता हुआ देखा, और तब के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में कितना पतन आपने होता हुआ देखा? देखिए, समय परिवर्तन लाता है, और अगर हम उस समय के भारत को भी देखें, पूरे विश्व के अंदर बड़े बड़े देशों के विरोध के बावजूद एक फैसला लिया गया कि मानवता के लिए हमको कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था वो ठीक हो सके। और इसीलिए एक युद्ध हुआ, और वो भी ऐसा जो जिसकी कोई मिसाल नहीं है पूरे विश्व के अंदर। 13 दिन के अंदर एक देश को आजाद कराना, वहां पर जो सेना थी उसके 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बनाना, और उस देश की बागडोर 1 महीने के अंदर उन्हीं को देकर वहां से निकल आना, इसकी कोई मिसाल आपको कहीं विश्व में नहीं मिलेगी। और ऐसा देश जिसमें नदियां हैं बड़ी बड़ी, जिसमें इलाका बंटा हुआ है, किसी ने सोचा नहीं था। और ऐसे समय जबकि अमेरिका का 7वां बेड़ा जो है वो चला आ रहा था कि किसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान को बचाया जाए, भारत एक का जो दृढ़ संकल्प था वो देश की आत्मा थी, वो आत्मा अभी भी है, आज भी देश दृढ़ संकल्प में है। उस समय हमारे पास कई चीजों का अभाव था, जैसे जैसे समय बीतता गया वो अभाव ठीक हुआ, और मैं कहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में एक अभूतपूर्व देश के अंदर बदलाव आया, और ये बदलाव है जिसके अंदर दूर दृष्टि से चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है, चीजों को छोड़ा नहीं गया है। आज अपने सड़कों का आप जाल देख लीजिए, आप जिस तरीके से आपकी रेलगाड़ियां चलती हैं वो देख लीजिए, जिस तरह से हवाई अड्डों के अंदर उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है उसको देख लीजिए, नए हॉस्पिटल्स बनने, नए एम्स बनने, पूरी स्वास्थ्य की प्रणाली को एक अलग प्रणाली बनाना, और साथ साथ वो सब कुछ करना जो आखिरी छोर के व्यक्ति के लिए हो, तो देश में बदलाव जरूर वो जरूरी है। और अब जो बदलाव है ये हमको जो एक लक्ष्य रखा गया है विकसित राष्ट्र का, उसकी तरफ बड़ी आसानी के साथ लेकर जाएगा। क्या बात है साक्षी जी, बहुत अहम हो जाता है ये मंच, बहुत अहम है। हम गाजियाबाद में हैं, और गाजियाबाद में जिम्मेदारी देने वाले और जिम्मेदारी निभाने वाले दोनों एक मंच पर हैं, तो सवालों का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। जनरल बीके सिंह जी, 2024 सामने है, राम मंदिर बन गया, क्या मानते हैं ये राम मंदिर का आंकड़ा कहां दिखाई देगा 2024 में रिफ्लेक्ट होते हुए? देखिए, राम मंदिर 528 साल जनता ने वेट किया है, उसके लिए अभियान चले, उसके लिए कोशिशें हुई, और मैंने वो समय भी देखा है जबकि एक तिरपाल के टेंट में रामलला विराजमान थे अयोध्या में, आज अयोध्या धाम में एक भव्य मंदिर में 22 को उनकी स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर का एक अलग महत्व है, और राम मंदिर एक मैं कहूंगा कि संदेशवाहक है कि आगे आने वाले दिनों में हम देश की आध्यात्मिक और कर्मठ शक्ति दोनों को मिलाकर आगे बढ़ेंगे। जब हम कहते हैं कि राम राज्य शुरू होगा, राम राज्य क्या है? सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ
सबको के अंदर एक विश्वास पैदा करना कि उनको वो सब चीजें मिलेंगी, उस तरीके से उनके साथ बर्ताव होगा जो कि अच्छा हो, ये अब आगे दिखाई देता। तो 24 तो कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से आगे आने वाले कई वर्षों में ये आस्था और ये जो कार्य जो हुआ है इसका असर आप देखते जाएंगे। क्या बात है कि हमारे बीच कलेक्टर साहब भी मौजूद हैं। अगर मैं बीके सिंह से कहूं, क्योंकि आप सांसद हैं गाजियाबाद से और आप गाजियाबाद के कलेक्टर हैं, अगर मैं बीके सिंह से कहूं कि एक कोई जिम्मेदारी कलेक्टर साहब को आप इस मंच के द्वारा देना चाहेंगे तो वो कौन सी होगी, क्या करना चाहिए इनको? ये आपको देना है जिम्मेदारी, आपको देना है एक जिम्मेवारी, एक कोई ऐसी एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी है जो आज आप उनको देना चाहते हैं। देखिए, मेरी तरफ से सिर्फ एक ही ध्येय है कि जनपद के अंदर जितनी हमारी योजनाएं हैं पूर्ण रूप से आच्छादित हों और उसका लाभ जनता के अंदर पहुंचे। और कोई चीज, अगर वो उसके अंदर सहयोग मिलता है तो मानकर चलिए बाकी चीजें अपने आप आगे बढ़ती चली जाए। आपका रिप्लाई क्या है? मैं तो कहूंगा सर, आपको एक कार्य देने की जरूरत नहीं, आपको गाजियाबाद ही मुझे दे देने की जरूरत है। गाजियाबाद आपका है और मैं इसकी सेवा करने के लिए यहाँ तैनात हुआ हूँ, तो मैं अपनी ओर से आपको मुतमईन करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि न केवल शासकीय योजनाएं अमली जामा पहनेंगी बल्कि वो समय से अमली जामा पहनेंगी। अगर वो समय से अमली जामा नहीं पहन पाई तो निश्चित रूप से कोई भी स्कीम जो लोकोपयोगी होकर लोगों को ज़्यादा समय तक लाभान्वित कर सकती है उसमें थोड़ा सा समय अगर ज़्यादा लगता है, विलंब होता है, तो उसका लाभ कम मिलता है, क्योंकि योजना की एक अवधि होती है, उसकी अवधि के समय में अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ज़्यादा समय तक उसका लाभ मिल पाता है। तो मुझे अभी एक माह हुआ है, लेकिन जिन जनपदों में तैनात रहा हूँ कोशिश रही है कि समय से शासकीय योजनाओं को, सरकारी धन को व्यय करते हुए कार्य पूर्ण किया जाए। तो यहाँ भी सभी विकास संबंधी जो योजनाएं हैं उनको धरती पर, धरातल पर समय से उतारा जाएगा, गुणवत्तापरक तरीके से उतारा जाएगा, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बाकी आपका मार्गदर्शन है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं न केवल अपने एक ऐसे सांसद के साथ कार्य कर रहा हूँ जो राजनीतिक रूप से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि देश की सेना का नेतृत्व करने वाले एक पूर्व सैनिक और सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल से मैं के साथ मैं काम कर रहा हूं। तो मेरे लिए तो ये दोगुने उत्साह का समय है। तो मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। थैंक यू। कलेक्टर हैं आप, एक महीना आपको हुआ है, 5 ऐसी प्रतिज्ञाएं बताइए जो आपने गाजियाबाद के लिए ली है। रिपीट करेंगे प्लीज। 5 ऐसी प्रतिज्ञाएं बताइए, एक महीना हुआ है आपको, कि मन में होता है ना, जब हम पहले तो अभी तो आप दौरे पर ही हैं, लगातार देख रहे हैं गाजियाबाद कहां कितना विकास हुआ, कहां कमियां हैं, आपने जांच ली, परख ली, एक महीना हो गया आपको, 5 ऐसी प्रतिज्ञा जो आपने ली है, मन में ली है, आज आपको उजागर करनी है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर शहर के लोग भी हैं, शहरी भी हैं। निकट भविष्य में आपके यहाँ लोकसभा का निर्वाचन होने वाला है। हमारे लिए धब्बे की तरह है कि हम NCR के सबसे महत्वपूर्ण जनपद में हैं और हमारा पोल परसेंटेज बहुत कम रहता है। उत्तर प्रदेश का जो औसत पोल परसेंटेज है उसकी तुलना में हमारे जनपद का परसेंटेज बहुत कम है। आपके पड़ोस के जनपद अलीगढ़ में 62% पोल होता है और आपके जनपद में 54% पोल होता है। तो मेरा तो अपने लोगों से गुजारिश है और पहले दिन से कोशिश है और इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, मतदाता सूची को बनाना, उसको शुद्ध करना, उसमें इंक्लूसिवनेस लाना, ताकि जो भी पात्र व्यक्ति हो मतदाता सूची का हिस्सा हो जाए। लेकिन अभी गाजियाबाद की जनता को उसके अपने हिस्से का हक अदा करना बाकी है। जो आगामी निर्वाचन आए उसमें उसको अपने घर से, अपने सुविधा की जगह से निकल कर थोड़ी तकलीफ के साथ ही सही लोकतंत्र के इस सबसे पावन पर्व में अपनी भूमिका निभाना है। तो मैं कहूंगा हमें इस बार ये धब्बा मिटाना है कि हम कम मतदान वाले जनपदों में गिने जाएं। तो ये मेरा पहला संकल्प होगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस दिशा में लोगों को मोटिवेट करके, लोगों से इंटरेक्ट करके कार्य कर सकूं। दूसरा चैलेंज और जो मैंने पल्स यहाँ पर महसूस किया है वो लोगों का पॉल्यूशन के प्रति आग्रह है। NCR का रीजन होने के कारण, औद्योगिक नगरी होने के कारण
वेहिकुलर मूवमेंट बहुत अधिक होने के कारण और अन्य बहुत सारी वजहों से जनपद गाजियाबाद देश की राजधानी के साथ साथ बहुत दिन तक प्रदूषण की गिरफ्त में रहता है। इसमें कुछ कारण ऐसे हैं जिन पे हमारा कोई वश नहीं है, नेचुरल कारण है। कुछ कारण ऐसे हैं जो अपरिहार्य हैं, हमको साथ साथ उनको लेकर चलना है। लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनके कारण हम स्वयं इसको पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। उनको हम कैसे कम कर सकें, इस दिशा में कार्य करना मेरा दूसरा लक्ष्य होगा। तीसरा लक्ष्य है वो सरल भी है और उसको हम पूरा करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी का हर घर जल योजना का टारगेट है। इतना छोटा सा जनपद, ग्रामीण इलाका इसका बहुत कम है, लेकिन उसके बहुत सारे गांव अभी भी लेट लतीफी के कारण हर घर जल योजना से आच्छादित होने से रह गए हैं। यद्यपि प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में यहाँ कार्य तेज हुआ है और लगभग 96% घरों को हम पानी दे चुके हैं जनपद गाजियाबाद में भी, लेकिन ये 4% जो घर बाकी हैं ये क्यों बाकी हैं, ये अब तक क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत छोटा इलाका हमारा है। तो उस दिशा में काम करना हमारा तीसरा टारगेट होगा। चौथा, चूंकि मैं विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की भूमिका में हूं, तो मैं यहां देख रहा हूं कि अपार्टमेंट्स ऑनर्स एसोसिएशन और बिल्डर्स के बीच तमाम विवाद हैं। बिल्डर्स कई बार आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट ऑल एस्पेक्ट में पूरा होता है लेकिन जो जमीन पे उतरता है और आने वाले समय में उसमें कमियां निकलती हैं, तो उन कमियों को पूरा करने से कभी बिल्डर को ताही करते हैं, कभी जो अपार्टमेंट ऑनर्स होते हैं वो कोऑपरेट नहीं करते। तो इस प्रकार के कुछ इश्यूज यहाँ पर हैं। और चूंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहता है, तो उनके उन इश्यूज को एड्रेस करना मेरा चौथा प्रंग होगा। और पांचवा संकल्प मेरा ये है कि इस शहर में यद्यपि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काफी काम हुआ है, लेकिन कोई ऐसी हम नई स्कीम लेकर नहीं आ पाए जिससे शहर की बसावट को और शहर की जो आवासीय आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने की दिशा में कार्य कर सकें। तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मधुबन बापू धाम और कोयल इनक्लेव, तो उनमें जो कुछ अड़चने हैं उन अड़चनों को दूर किया जाए और जो हमारी टाउनशिप्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं उनकी हर्डल्स को दूर किया जाए ताकि आने वाले समय में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए हम उनकी आवासीय आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। बिल्कुल लगता भी है कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी भी होंगी।